जवाहर नवोदय विद्यालय पेखुबेला में बुधवार को एनसीसी का 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर शुरू किया गया। जिला भर के 7 कॉलेजेस और 12 स्कूलों के करीब 598 कैडेट्स नेशनल कैडेट कोर के इस प्रशिक्षण शिविर में भाग ले रहे हैं। एनसीसी की 6वीं स्वतंत्र वाहिनी के कमांडेंट मंगेश वानखेड़े के नेतृत्व में चल रहे इस शिविर के दौरान 10 दिनों में कैडेट्स को जहां हथियारों का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, वहीं एलपीटी और विभिन्न विषयों पर उन्हें लेक्चर भी दिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त सामाजिक कुरीतियों के प्रति जागरूक करने के लिए भी कैडेट्स को विभिन्न स्रोत व्यक्तियों से मिलवाया जाएगा। कड़ी धूप के बीच होने वाला यह प्रशिक्षण शिविर कैडेट्स के लिए भी एक बड़ा चैलेंज माना जा रहा है। हालांकि कोविड-19 की परिस्थितियों के चलते इस तरह के प्रशिक्षण शिविरों पर पूरी तरह से ब्रेक लग गई थी, लेकिन अब धीरे धीरे ऐसे ही कई कार्यक्रम दोबारा शुरू किए जा रहे हैं। ये जो हमारे एनुअल ट्रेनिंग कैंप होते हैं, हमारे को इसी दौरान मौका मिलता है कि सभी कैडेट्स को इकट्ठा करके उनको एक साथ ट्रेनिंग दी जाए, उनके बीच में एक नेशनल इंटीग्रेशन का भाव पैदा किया जाए। तो हम ये 10 दिन का मौका मिलते ही हम इसका पूरा पूरा फ़ायदा उठाते हैं और इनको ड्रिल, पीटी, वेपन ट्रेनिंग, खास करके फायरिंग, जो हम आमतौर पर नहीं करा पाते हैं, ये सब चीज़ें हम कैंप में कराते हैं। प्लस इनको थ्योरी सब्जेक्ट्स होते हैं वो भी पढ़ाते हैं, आर्मी के बारे में उनको नॉलेज दी जाती है। प्लस हम कई एक्स्ट्रा लेक्चर्स भी देने की कोशिश करते हैं, जैसे ड्रग अब्यूज़ के बारे में या सोशल सर्विसेज के बारे में या फिर लॉ एंड ऑर्डर, अभी ये सब चीज़ें हम कैंप में इनको बताने की कोशिश करते हैं। 10 दिन का ये प्रशिक्षण चल रहा है, हालांकि अगर मौसम की बात करें तो भीषण गर्मी चल रही है, तो इन सारी परिस्थितियों के बीच को क्या कुछ चैलेंजिंग है बच्चों के लिए रहने वाला है? अभी जैसा हम देख रहे हैं पिछले 2-3 सालों से चैलेंजेस में चैलेंजेस आ ही जा रहे हैं। पहले कोरोना का चैलेंज था तो एक साल कैंप नहीं लगा, फिर उसके बाद हमने उसके ऊपर भी उपाय ढूंढे, वैक्सीनेशन हुई, मास्क के साथ सब लोगों ने कैडेट्स ने कैंप अटेंड किए। अब इस बार गर्मी में कैंप है, आमतौर पर सारे कैंप्स इसी टाइम होते हैं क्योंकि स्कूल्स में छुट्टी होती है, कॉलेजेस में छुट्टी होती है। तो हमने ट्रेनिंग प्रोग्राम ऐसे बनाया है कि अर्ली मॉर्निंग फिजिकल एक्टिविटी, आउटडोर एक्टिविटीज़ हो, फिर थोड़ा बहुत जो वेपन ट्रेनिंग वगैरह जो शेड के नीचे बैठ के हो सकता है वो 10-11 बजे तक, और उसके बाद टोटल क्लासरूम टीचिंग होगी दोपहर 12-12.5 बजे तक, और प्लस दिन में जो भी होगा उनको रेस्ट दिया जाएगा, और शाम का गेम्स भी शाम के थोड़ी सी गर्मी कम होने के बाद ही उनको बाहर निकाला जाएगा। वानखेड़े सर, कितने स्टूडेंट्स, कितने कैडेट्स यहाँ पर पहुँचे हैं, कहाँ कहाँ से कैडेट्स हैं? इस कैंप की हमारी टोटल स्ट्रेंथ है रफली 550 कैडेट्स, और पूरे ऊना शहर के, ऊना डिस्ट्रिक्ट के जो कॉलेजेस हैं, हमारे पास 7 कॉलेजेस हैं, उसके करीबन 250 कैडेट्स और स्कूल्स के अबाउट 300 कैडेट्स इस कैंप में आएंगे। हिमाचल दस्तक टीवी के लिए ऊना से चंद्रमोहन चौहान की रिपोर्ट। सिन्हा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस पिछले 12 सालों से देश प्रदेश में तकनीकी शिक्षा से लेकर व्यवसायिक कोर्स चलाने के बाद अब सिन्हा कॉलेज में 4 वर्षीय बी फार्मेसी कोर्स, 3 वर्षीय एग्रीकल्चर डिप्लोमा कोर्स व डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी कोर्स शुरू होने जा रहे हैं। आप भी इन कोर्सेज के जरिए अपना करियर संवार सकते हैं। आपको मिलेगी उच्च स्तरीय लैब, लाइब्रेरी, हाई क्वालिफाइड स्टाफ, अलग हॉस्टल सुविधा के साथ खेल की कई प्रतिस्पर्धाएं एक ही कैंपस में। कृपया संपर्क करें सिन्हा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, NH 21, सुंदरनगर, नौलखा, जिला मंडी, हिमाचल प्रदेश। आप इन नंबर्स पर भी संपर्क कर सकते हैं।